कुछ समय पहले कुछ पुलिस वाले यहाँ आए थे और फिर उसके बाद प्रेम पुलिस स्टेशन चला गया था। भाभी ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसके बारे में आपको कुछ बताऊं। तो फिर आप पुलिस स्टेशन क्यों गए थे? मैं इन दिनों काफी अकेली रही हूँ, पर आज रात नहीं, जबकि आज की रात तुम्हारे ऊपर बहुत भारी है। प्रेम के दिल में रोहित के लिए जो जज्बात हैं, उन्हें नाराजगी कहना अजगर को सपोला कहने के बराबर है। मैडम शर्मा जी मिल गए हैं। क्या? जब तक हमारी खिचड़ी एक है हम तीनों सेफ है। ये कंबकत शालिनी तो हमारे लिए बुरी खबर है। मैं यहां किसी फांसी के डर से नहीं आया हूं प्रेम। गवाहों के बयान और अदालत में पेश किए गए सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मरहूम प्रकाश उपाध्याय का खून रोहित राजदान ने किया। अदालत रोहित राजदान को इस वैश्याना जुर्म के लिए सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। टू बी हैंग बाय नेक अंटिल डेथ, अंटिल डेथ। अरे क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? कुछ नहीं रोहित, एक भयानक सपना। ऐसा क्या देखा कि? समझ गया, यही ना कि मुझे कातिल करार दिया गया है कि मुझे। रोहित तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा रोहित। रश्मि अगर मुझे कुछ भी हो जाए ना तो राहुल को इतना। रोहित मैंने कहा ना तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा दिल कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। कहते हैं दिल और दिमाग दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता होता है। तुम्हारा दिल कुछ और कह रहा है, तुम्हारा दिमाग कुछ और सोच रहा है। जो होगा वो तो भुगतना ही पड़ेगा। अब सोचने से सोचा। रोहित दिल जो सोचता है उसमें विश्वास होता है, और जानते हो विश्वास में बहुत ताकत होती है। और मेरा विश्वास ये कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा रोहित। देखो रोहित मैं तुमको एक बात बता दूं कि जब हम अंदर ऊपर पहुंच गए ना तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा जो वो है पहला जो अपीयरेंस है, इट हैज टू बी एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर ऑफ। गुड मॉर्निंग मिसेस शौरी, अच्छा हुआ आप मुझे अदालत के बाहर मिल गए, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता था। कहिए। मिसेस शौरी रात में मैं जब पेपर्स तैयार कर रहा था इस केस का तो मेरे दिमाग में एक बात आई। मैं हंसा और सोचा कि हम दोनों ही जिम्मेदार क्रिमिनल लॉयर्स हैं, फिर हम क्यों एक दूसरे का, कोर्ट का, जज का, इतने सारे लोगों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जहां सीधा पहुंचा जा सकता है वहां के लिए इतना लंबा रास्ता क्यों? क्या आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं? सेटलमेंट का सवाल ही कहां उठता है, ये तो ऑलरेडी सेटल केस है। मिस्टर राजदान आप समझाइए अपनी साली साहिबा को, प्रोसिक्यूशन इतना स्ट्रांग है कि आपको अपना गुनाह कबूल कर लेना चाहिए। वैसे भी मेरे पेपर्स को अगर कोई बच्चा भी पढ़ेगा तो वो बच्चा भी यही कहेगा कि मिस्टर शौरी वैसे आपका हर मामला कागजी ही होता है, और ये कागज बच्चे ही पढ़ेंगे क्योंकि और तो कोई ये कागज पढ़ेगा नहीं। अब अगर आप कुछ अच्छे सबक सीखना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ अदालत में, और वैसे भी जो थोड़ा बहुत लॉ आप जानते हैं आपने मुझसे ही केस हार हार के सीखा है। कम रोहित
प्रोसीड। मिलॉर्ड, जब जब अदालत में ऐसा केस आता है तब तब मुझे ऐसा लगता है कि इस मुल्क का कानून लिखने वाले हाथ बड़े ही रहमदिल थे, क्योंकि कई बार कोर्ट को काले रंग को भी काला साबित करने के लिए बहुत। योर ऑनर, अगर मिस्टर शोरी लॉयर ना होते तो मेरे ख्याल से चित्रकार होते और उनका फेवरेट रंग काला होता, क्योंकि मुद्दा चाहे जो भी हो मिस्टर शोरी उस पर काला टीका जरूर लगा देते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि अदालत का वक्त ज्यादा जाया ना किया जाए और केस की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मेरा मानना यह है कि ऐसे केसेस का अदालत में लड़ा जाना ही वक्त को जाया करना है, क्योंकि गवाहों और सबूतों के आधार पर ये साबित हो चुका है कि खून मिस्टर राजदान ने किया है, और मैं अदालत से वादा करता हूं कि यह बात बहुत कम वक्त में साबित कर दूंगा। यू मे प्रोसीड मिस्टर शोरी। थैंक यू मिलॉर्ड। मिस्टर राजदान, क्या बताएंगे कि आपके और प्रकाश के संबंध कैसे थे? कड़वा, मीठा, नमकीन, जो भी। प्रकाश मेरी बहन पल्लवी का पति था। ये बात तो दुनिया जानती है। आप कोर्ट का वक्त जाया ना करते हो, वो बातें बताएं जो दुनिया नहीं जानती है या अदालत। आई ऑब्जेक्ट यू ऑनर। मुझे लगता है कि प्रोसिक्यूशन मेरे मौकिल पे वक्त का दबाव बार बार डाल रहे हैं। आई थिंक अदालत से ज्यादा इनको घर जाने की चलती है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू। आई एम सॉरी मिसेस शोरी। मिस्टर राजदान, आप अपना पूरा वक्त लेते हुए अदालत को वो बातें बताएं जो बाकी दुनिया और ये अदालत नहीं जानती। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे मौकिल को ये कैसे पता कि अदालत क्या जानती है और क्या नहीं जानती? ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू योर ऑनर। ओके मिलो, मैं अब सेंसिबल क्वेश्चनिंग कर रहा हूं। प्रकाश और पल्लवी की शादी आपने करवाई थी? जी हाँ। आपकी बहन पल्लवी शादी से खुश थी? पहले दिनों में बहुत खुश थी, फिर कुछ दिनों बाद कुछ डिफरेंसेस आने लगे। और उन डिफरेंसेस की वजह आप? जी, एक वजह मैं भी था। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, प्रकाश और पल्लवी के आपसी मतभेद की वजह मिस्टर राजदान थे। यस योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड इज पल्लवी और प्रकाश के बीच मतभेद की एक वजह रोहित राजदान थे। और ये वजह इतनी बड़ी थी कि सरेआम इनके और प्रकाश के बीच तमाशे हुआ करते थे। मिस्टर राजदान ने पल्लवी को अपने घर बुला लिया और प्रकाश को अपने घर से बाहर भगा दिया। प्रकाश इनसे मिन्नतें करता था कि पल्लवी को उसके घर भेज दे, उसके एवज में मिस्टर राजदान उसे जान से मार देने की धमकी दिया करते थे। जज साहब, ये बात घुमा फिरा कर बोल रहे हैं। I object your honor। इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास ठोस सबूत है जज साहब। एग्जिबिट नंबर 1, ये FIR रिपोर्ट जो अपने मौत से चंद रोज पहले प्रकाश ने इनके खिलाफ दर्ज करवाई थी। उसे डर था कि रोहित राजदान उसे जान से मार डाले और उसके चंद दिनों बाद ही उसका खत्म हो जाए। ऑब्जेक्शन ओवरूल। मिस्टर रोहित राजदान, क्या यह बात सच है कि आपने प्रकाश को पाला है? जी नहीं, यह बात सच नहीं है। मैंने तो सुना है कि आप उनके घर पर महीने का खर्च किया। सही सुना आपने, पर मैं उसे पालना नहीं सपोर्ट करना कहूंगा। बहरहाल गले पड़ा बोझ उठाए। मैंने तो यह भी सुना है कि प्रकाश बाद में आपके घर पर आकर रहे। जी हाँ, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। उसके प्रेगनेंसी के दौरान प्रकाश ही नहीं बल्कि प्रकाश पल्लवी के साथ मेरे घर में रहने आने लगा ताकि रश्मि को थोड़ी सी मदद हो। तो फिर आपने प्रकाश को घर से निकाल दिया? पल्लवी प्रकाश के साथ रहना नहीं चाहती। लेकिन क्यों? ये बात आप पल्लवी से क्यों नहीं पूछते? हम पल्लवी से भी पूछेंगे। पल्लवी के मुताबिक तो आपने उसके हस्बैंड का कत्ल किया है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, पल्लवी ने ऐसा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू। खैर, पल्लवी की ऑफिशियल रिपोर्ट भी हमें मिल गई। मिस्टर राजदान, अदालत आपसे यह जानना चाहती है कि आपकी बहन पल्लवी
प्रकाश के साथ क्यों नहीं रहना चाहते थे और आपने प्रकाश को घर से क्यों निकाला? भैया, भैया उसे ऐसा लगा कि बच्चे के आने के बाद जो वसीयत मेरे नाम पर है वो वसीयत आप बच्चे के नाम पर करेंगे। उसने आकर मुझे खुद आकर कहा कि वो जानबूझ के भाभी को ऊबड़ खाबड़ रास्ते से ले गया था ताकि बच्चे को कुछ हो जाए। मिस्टर राजदान, अदालत आपसे तीसरी बार सवाल कर रही है कि पल्लवी प्रकाश के साथ क्यों नहीं रहना चाहती थी और आपने उसे घर से क्यों निकाला? सॉरी, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। मिस्टर राजदान इस बात का जवाब नहीं देना चाहते और इंसान सिर्फ अपना जुर्म ही छिपाता है मिलाओ। क्योंकि सवाल जवाब का सिलसिला इस मुकाम तक पहुंच गया है जहां मिस्टर राजदान किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर रहे हैं, तो इस जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं कुछ गवाहों को पेश करने की इजाजत चाहूंगा मिलॉर्ड। प्रोसिक्यूशन में प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड। मेरे पहले गवाह है मिस्टर संजय नंदा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। मिस्टर नंदा, क्या यह सच है कि 13 नवंबर की शाम लगभग 5 बजे आपने रोहित राजदान को 10 लाख रुपए की फॉरेन करेंसी दी? जी। क्यों दिया था आपने? रोहित ने मांगे थे इसलिए दी। लेकिन इतने बड़े रईस आदमी को आपसे पैसे मांगने की क्यों जरूरत पड़ी? देखिए वकील साहब, इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना हो तो रईस से रईस आदमी को कैश मांगना पड़ सकता है। मिलॉर्ड, शॉर्ट नोटिस और कैश, रोहित राजदान को किसके शॉर्ट नोटिस पर इतना कैश जमा करना था? जी मुझे नहीं पता। नंदा साहब, मैंने तो सुना है कि रोहित राजदान आपके बड़े अच्छे मित्र। जी आपने ठीक सुना है। शॉर्ट नोटिस का मतलब होता है इमरजेंसी। एक दोस्त का फर्ज बनता है कि वो अपने दोस्त से पूछे कि वो कौन सी इमरजेंसी है जिसके तहत वो पैसा मांग रहा है। आपने क्या अपने दोस्त मिस्टर राजदान से पूछा? जी मैंने तो अपना फर्ज निभाया था लेकिन रोहित ने मुझे कुछ नहीं बताया। मिलॉर्ड, लगता है मेरी तरह रोहित राजदान से जवाब न पाने की तकलीफ मिस्टर नंदा भी झेल चुके हैं। एक बात तो है मिलॉर्ड, मिस्टर राजदान कातिल हो या ना हो, छुपे रुस्तम जरूर हैं। मिस्टर नंदा, प्रकाश के पास से 10 लाख रुपए की फॉरेन करेंसी बरामद हुई थी। प्रकाश वो शॉर्ट नोटिस था जिसके लिए मिस्टर राजदान को 10 लाख रुपए का कैश जमा करना था। फिर भी क्या आप कह सकते हैं कि प्रकाश और रोहित राजदान का संबंध नॉर्मल था? जी रिश्ता कैसा था और कैसा नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जब मेरा दिया हुआ कैश प्रकाश के पास बरामद हुआ तो मुझे हैरानी जरूर हुई थी। मिलॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। अदालत इस बात पर गौर करें मिलॉर्ड कि मिस्टर नंदा जो रोहित राजदान को बचपन से जानते हैं, उनको भी इस बात पर ताज्जुब हुआ कि दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर विटनेस प्लीज। थैंक यू। मिस्टर संजय, प्रोसिक्यूशन ने अभी अभी बताया कि आप मिस्टर राजदान को बचपन से जानते हैं। जी उन्होंने ठीक कहा। तो फिर आप ही बताइए कि ऐसा हो सकता है कि मिस्टर राजदान किसी का खून करे? होना तो ये भी नहीं चाहिए था कि रोहित राजदान मुझसे अपना इतना बड़ा राज छिपाए। यू मे गो मिस्टर संजय। थैंक यू। Court is adjourned for the day. Mr. Sanjay Nanda,
भाभी, प्लीज मुझे भाभी कहने की कोई जरूरत नहीं। मैं रोहित को शुरू से ही कहती थी कि उनका ये सो कॉल्ड फ्रेंड संजय नंदा बिल्कुल यकीन के लायक नहीं है। एंड थैंक्स, आपने मेरी बात को सच साबित कर दिया। और जो रोहित ने मेरे साथ किया वो ठीक। आपको अगर शिकायत थी तो आप केस के बाद सॉर्ट आउट कर सकते थे ना। रोहित ने मेरे साथ धोखा किया है, धोखा भाभी। मान लेती हूँ रोहित ने आपके साथ धोखा किया है, लेकिन लेकिन क्या उसकी सजा फांसी है? हाँ, मेरे साथ धोखा करने की सजा फांसी है। और वादा करो कि जिस दिन मैं साबित कर लूं कि तुम्हारे साथ कोई भी धोखा नहीं है, तुम अपने आप को फांसी लगा लो। संजय, अदालत के फैसले से पहले ही तुमने अपनी जजमेंट सुना दी। मेरे दोस्त, विश्वास बनाने में बहुत वक्त लगता है, तोड़ने में कम से कम थोड़ा सा तो वक्त लिया होता है। देख रोहित, तूने वो पैसा प्रकाश को दिया, तूने ये बात मुझसे छुपाई? मुझसे? भाई, दूंगा। इसका जवाब भी मैं तुम्हें दूंगा, पर वक्त आने पर। वक्त आने पे देगा। अदालत पूछ-पूछ के थक गई। अगर जवाब होता तो दे दिया होता ना। अगर अभी भी जवाब है तो दे दो राजदान साहब, वरना ये समझ लो कि गले में फंदा पड़ चुका, बस खींचने भर की देर है। रोहित, रशु, इनसे बहस में पड़ने का कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहित सच बोल रहा हो, वरना उसकी बातों का मतलब क्या हो सकता है? मतलब सिर्फ इतना ही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नूचे, और कुछ भी नहीं। रोहित, क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। परेशान तो हूँ रश्मि, पर साथ साथ फिक्रमंद भी। एक अजीब सा खौफ मुझे अंदर ही अंदर मेरे वजूद को हिलाने की कोशिश कर रहा है। रोहित, तुम कैसी बातें सोच रहे हो? अब तुम ऐसा सोचोगे तो हमारा क्या होगा, राहुल का क्या होगा, कभी सोचा है? हमारी और राहुल के साथ साथ मुझे तुम्हारी बहन शालिनी की भी फिक्र है। तुम जानती हो रश्मि, कोर्ट में उसने आज तक एक केस तक नहीं हारा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसके ब्रिलियंट करियर पर किसी भी तरह का दाग लग जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। रोहित, तुम जानते हो दीदी तुम्हारे केस के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, वो अपनी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस लगा देगी, लेकिन तुम्हारा केस नहीं हारेगी, ट्रस्ट मी। शालिनी बहुत तजुर्बेदार है, पर आज कोर्ट में केडी शोरी की आंखों में जो नफरत देखी मैंने, जिस तरह की बहस वो कर रहा था, ऐसे लगता है कि ये केस जीतना उसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। हकीकत ये है रश्मि कि ये केस जीतना आगे बहुत मुश्किल है। रोहित, केस मुश्किल है या आसान, ये तो केस लेने से पहले सोचा जाता है। एक बार केस शुरू हो गया फिर मैं ये बात कभी नहीं सोचती। रोहित, हर केस एक भंवर की तरह होता है, एक बार आप उसमें फंस गए फिर तो आखिरी सांस तक आपकी यही कोशिश होती है कि हिफाजत से बाहर कैसे निकला जाए। और इसी तरह जब एक बार केस शुरू हो गया फिर मैं कुछ भी नहीं सोचती, सिर्फ ये सोचती हूँ कि मैं अपने क्लाइंट की सुरक्षा कैसे करूँ। ऐसा तो नहीं कि तुम नाउम्मीदी पर पर्दा डाल रही हो ताकि ये भ्रम ही बना रहे? रोहित, ये भ्रम नहीं है, ये मेरा विश्वास है। मैंने अपने करियर में हमेशा देखा है कि सच्चाई की जीत हुई है,
और इस बार भी जीत सच्चाई की ही होगी।